हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुस्टैकर्स माइंड में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सॉफ्ट एंड कॉलर। इस टॉपिक को समझने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं सॉफ्ट और कॉलर होते क्या है। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट का यूज कब करते हैं, पहले मैं बताता हूँ। पावर ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसफर करने के लिए हम सॉफ्ट का यूज करते हैं। और सॉफ्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, सॉफ्ट। हर जगह हमने सॉफ्ट देखा होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम आटा चक्की पे जाते हैं वहां पे पुली घूमती रहती है, वो पुली भी एक सॉफ्ट के ऊपर ही घूमती रहती है, ठीक है। इंजन के अंदर देखी होंगी क्रैंक शाफ्ट, जिससे हमें रोटरी मोशन मिलती है, वहां भी सॉफ्ट होती है कि नहीं। ट्रक में देखा होगा नीचे जो इंजन से व्हील्स को पावर ट्रांसफर करती है, वहां भी सॉफ्ट लगी होती है। लेथ मशीन में देखा होगा जो स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल में एक सॉफ्ट लगी होती है, वहां सॉफ्ट होती है। ड्रिलिंग मशीन में देखा होगा उसका जो स्पिंडल होता है उसमें भी सॉफ्ट लगी होती है। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों वो होता है सॉफ्ट। हर जगह यूज होता है इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जितने भी कॉम्पोनेंट्स है, पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, सब में सॉफ्ट का यूज जरूर होगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइए देखते हैं सॉफ्ट क्या होती है। तो सॉफ्ट एक क्रॉस सेक्शनल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल की छड़ होती है, रोड होती है। कैसी? सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की एक छड़ होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे या मशीन के एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में पावर ट्रांसफर करने के लिए, शक्ति को पारेषित करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। इट इज द रोड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल विच इज यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन पैलेस टू द अनदर पैलेस। यानी कि क्रॉस सेक्शन यानी कि वृत्ताकार, अगर मैं इसको काट के देखू तो देखो ये वृत्ताकार, इसकी जो क्रॉस सेक्शन होगी वृत्ताकार सामग्री होगी आपको, तो ये भी एक रोड ही मान के चलो। रोड ऐसी होती है गोल, बिल्कुल। यानी कि जो पावर, अगर मैं इसे इधर से घुमाऊंगा देखो इधर वाली चीज ऑटोमेटिकली घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी, तो यहां से यहां पर पावर ट्रांसफर कर दी। अगर मैं इसी को एक रोड मान के चलू तो यहां से पावर हमने दी, यहां से पावर कहां पहुंच जाएगी, यानी कि यहां से घुमा रहा हूं तो यहां वाली चीज ऑटोमेटिकली इसके साथ घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो ये भी मेरी एक रोड ही है, रोड का एग्जांपल है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, रोड का यूज करते हैं। देखो सॉफ्ट का यूज करते हैं, ये मेरी एक सॉफ्ट है। इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें साइड में जाके तो इसका क्रॉस सेक्शन हमें ऐसा मिलेगा सर्कुलर। देखो अगर मैं इस रोड को, ये तो मेरा फ्रंट व्यू बनाया, अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो कैसा दिखेगा, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, है ना, दिखेगा क्या नहीं। तो ये बच्चों साफ ध्यान में, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, साफ्ट इज ए रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, सॉरी रोड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल विच इज यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। कैसी है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें कैसा मिलेगा हमें बच्चों को, सर्कुलर मिलेगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल की एक रोड है जो एक लोकेशन यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था सॉफ्ट का, अगर यहाँ पे मेरा पंप रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बच्चों, पंप, और यहाँ पे मेरी मोटर है, तो मुझे इस मोटर से इस पंप को घुमाना है, तो उसे घुमाने के लिए किसका यूज करेंगे, सॉफ्ट का यूज करेंगे। तो सॉफ्ट देखो यहां से यहाँ पे पावर ट्रांसफर हो रही है, तो किसकी वजह से हुई पावर ट्रांसफर, इस सॉफ्ट की वजह से, किसकी वजह से, इस सॉफ्ट की वजह से पावर ट्रांसफर हुई हमारी। तो सॉफ्ट का यूज मेनली किस लिए करते हैं, पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, सॉफ्ट का यूज करते हैं। समझ में आया, बस सॉफ्ट को देखते याद रखना है कि सॉफ्ट पावर ट्रांसफर के लिए होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। सॉफ्ट थे, अब देखते हैं सॉफ्ट कौन से मटेरियल की बनी होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है, डायमीटर कितना हो सकता है। सबसे पहली बात आती है लेंथ की, जो मेरी लेंथ सॉफ्ट की जो लेंथ हो सकती है वो 5-6-7 मीटर तक हो सकती है। कहां तक हो सकती है, 7 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। उसका डायमीटर 15 mm से 500 mm यानी कि 15 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक होता है इसका जो डायमीटर ले सकते हैं होता है। जो मेटल देखते हैं कैसे बनाई जाती है, हॉट रोलिंग प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से, जो रोलर होते हैं वो गर्म होते हैं, हॉट रोलिंग प्रोसेस से। किसका क्या बनाई जाती है बच्चों, हॉट रोलिंग से सॉफ्ट का बनाया जाता है। और इसके लिए मेटल का यूज पहले करते हैं माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं ऑर्डिनरी सॉफ्ट के लिए, लेकिन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ना ऑर्डिनरी सॉफ्ट के लिए। अलॉय स्टील का भी यूज करते हैं, अलॉय कौन कौन से, स्टील के अलॉय, निकिल क्रोमियम, क्रोमियम वैनेडियम का भी यूज करते हैं। इसका यूज वहां करते हैं जहां पे हमें हाई पावर चाहिए, हाई पावर ट्रांसफर करनी है, यानी कि हाई स्ट्रेंथ भी और हाई पावर ट्रांसफर करनी है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं बच्चों,
अलॉय स्टील मटेरियल का यूज शाफ्ट को बनाने के लिए करते हैं और माइल्ड स्टील का यूज ऑर्डिनरी शाफ्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शाफ्ट। मेनली शाफ्ट हमारे तीन तरीके की होती है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट एंड स्पिंडल शाफ्ट। कौन कौन सी? ट्रांसमिशन शाफ्ट, दूसरी मशीन शाफ्ट, तीसरी स्पिंडल शाफ्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होते हैं। ट्रांसमिशन शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट मानते हैं जहां हमें किसी सोर्स से यानी कि पावर सोर्स से किसी दूसरी जगह पे पावर को ट्रांसफर करना होता है तो उस शाफ्ट को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन शाफ्ट। जैसे मेरी काउंटर शाफ्ट होती है, लाइन शाफ्ट होती है, जैसे यहां पे मैंने एक चक्की इंजन रख दिया, अब इस इंजन से मुझे दूसरी कोई चीज घुमानी है दूर, कोई दूसरी पुली घुमानी है शाफ्ट से, तो इस इंजन की शाफ्ट को जिसमें पुली को कनेक्ट करूंगा वहां पे दूसरी शाफ्ट लेके जाऊंगा, तो ये तो मेरा सोर्स हुआ। सोर्स क्या हुआ? इंजन। इंजन से दूसरी कोई दूर चीज रखी है उसे घुमाना है मुझे, चक्की को घुमाना, तो वहां पर उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ट्रांसमिशन शाफ्ट, यानी कि जो सोर्स से किसी स्रोत से दूसरी जगह पे पावर को ट्रांसफर करता है, तो इट इज यूज बिटवीन द सोर्स एंड मशीन एब्जॉर्बिंग पावर, यानी कि सोर्स, एक तो सोर्स से दूसरी जो कोई भी उस मशीन को एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो सोर्स से मशीन एब्जॉर्बिंग पावर तक पावर ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रांसमिशन शाफ्ट का। दूसरा है बच्चों मशीन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट क्या होती है? मशीन शाफ्ट मशीन का एक इंटीग्रल पार्ट होती है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, यानी कि जो मशीनों के अंदर लगी होती है, ठीक है, मशीनों के अंदर ही पावर को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हमारे इंजन में पिस्टन से पावर गई कहां जाती है? क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो मशीन का इंटीग्रल पार्ट है, तो वो जो क्रैंक शाफ्ट है ना मेरी, वो बच्चों है मशीन शाफ्ट। तो इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, यानी कि मशीन का अंदरूनी पार्ट, इंटीग्रल पार्ट जो अंदर ही लगाई जाती है शाफ्ट, मशीन में अंदर यूज किया जाता है, उनको हम बोलते हैं मशीन शाफ्ट। तीसरी स्पिंडल शाफ्ट। स्पिंडल का मतलब, स्पिंडल एक मशीन शाफ्ट ही होती है, बस ये और छोटी होती है। कैसे? जैसे हमने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिलिंग करने के लिए ऊपर शाफ्ट लगी होती है, यहां पर ड्रिल करना, तो ये जो शाफ्ट आई ये ड्रिल कर रही है, यानी कि ये ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल हुआ। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल शाफ्ट जो शाफ्ट से कनेक्ट है मेरा, जो शाफ्ट इसको यहाँ पे लेके आ रही है, इस शाफ्ट को बोलते हैं बच्चों स्पिंडल शाफ्ट, यानी कि जो वेरियस मशीन के स्पिंडल में यूज की जाती है उनको बोलते हैं स्पिंडल शाफ्ट। जैसे लेथ मशीन देखी होगी, लेथ मशीन में, लेथ मशीन का स्पिंडल है, वहां पे जो शाफ्ट लगी होती है, तो उस शाफ्ट को भी बोलते हैं हम कौन सी? स्पिंडल शाफ्ट। तीन तरीके की शाफ्ट है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट, स्पिंडल शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट सोर्स से किसी दूसरी डिवाइस को चलाने के लिए, मशीन शाफ्ट मशीन का इंटीग्रल पार्ट, स्पिंडल शाफ्ट जो स्पिंडल्स में यूज होती है मशीन के। तो बच्चों ये क्लियर? अब देखते हैं क्लास, सॉरी कौन कौन सी स्ट्रेस हमारे शाफ्ट रोटेट करेगी, घूमेगी, पावर ट्रांसफर करेगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, प्रतिबल, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल जनरेट होगा कुछ ना कुछ। तो उस स्ट्रेस को देखते हैं एक शाफ्ट में पावर ट्रांसफर करते हुए कौन कौन सी स्ट्रेस जनरेट होती है, तो आइए देखते हैं उन स्ट्रेस को। तो तीन तरह की स्ट्रेस हमारे शाफ्ट में प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से बताता हूं मैं आपको, कौन कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो होती है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस हमारी रोड आगू यानी कि टॉर्सनल मूवमेंट की वजह से, टॉर्क की वजह से, जो मेरी शाफ्ट यानी कि शाफ्ट है उसमें ऐसे घुमाओ इसको ये लेके चली तो उसमें क्या होगा कुछ ना कुछ टॉर्क बनेगी, टॉर्क, उस टॉर्क की वजह से मेरी क्या होगी? शेयर स्ट्रेस, यानी कि कर्तन प्रतिबल प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से? ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से ही मेरी जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो पहले शेयर स्ट्रेस, दूसरी होती है टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो किसकी वजह से होती है? जो उसके ऊपर एक्सियल फोर्स लग रहे हैं, हमारे शाफ्ट के ऊपर एक्सियल फोर्स लग रहे हैं, उस एक्सियल की एक्सियल फोर्स लग रहे हैं, उस एक्सियल फोर्स की वजह से उसमें टॉर्सनल और कंप्रेसिव, कौन कौन सी बच्चों? टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से? उसमें एक्सियल फोर्स लग रहे हैं मशीन, जैसे गियर हुआ, पुली हुई, और यहां तक कि शाफ्ट का सेल्फ वेट, खुद का वेट शाफ्ट का, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरी होती है, तीसरी सॉरी शेयर स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड टॉर्सनल एंड बेंडिंग लोड्स, इन दोनों की वजह से कंबाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो तीन तरीके की इसमें हमारी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और दूसरी कंबाइंड यानी कि टॉर्सनल और बेंडिंग लोड्स, इन्हें बेंडिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं बच्चों, जो टेंसाइल और कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस भी होती है। तो ये मेरी स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई। अब इसी में शाफ्ट में एक नया टॉपिक है कॉलर, ठीक है, मैंने टॉपिक का नाम चला है शाफ्ट और कॉलर, तो कॉलर बचाओ कॉलर देखते हैं कॉलर क्या होता है। कॉलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द शाफ्ट, इम्पोर्टेंट डिवाइस, ठीक है, किसके लिए? शाफ्ट के लिए। इम्पोर्टेंट कैसे है? सपोज मैंने इस ब्लॉक के अंदर ये शाफ्ट डाल दी, ये मेरी शाफ्ट है बच्चों, इट इज शाफ्ट, ये मेरी शाफ्ट है। अब मैंने शाफ्ट लगा दी इसके अंदर, शाफ्ट रोटेट कर रही है, अब वो रोटेट तो कर ही रही है इसके अंदर, लेकिन इस रोटेट से क्या हो रहा है, हमें खतरा रहेगा कि शाफ्ट एक्सियल भी मूव कर सकती है,
वह बाहर भी निकल सकती है, उधर भी बाहर निकल सकती है, है ना। जब ये घूम रही है तो हमें इसका अक्षीय यानी कि एक्सियल सरकने का खतरा लगा रहता है कि इधर को भी जा सकती है उधर को भी जा सकती है। अब इसको एक्सियल स्ट्रोक के लिए, इसको ऐसे ना सरकने से रोकने के लिए छल्ले जैसे टाइप के होते हैं, कॉलर होते हैं, उनको हम कॉलर बोलते हैं, छल्ले होते हैं, छल्ले किसे बोले, छल्ले जैसी वो कॉलर होते हैं, उन कॉलर को फिक्स कर देते हैं। एक कॉलर हमने यहां लगा दिया, ऐसे छल्ला होता है, उनको दोनों को यहाँ पे लगा दिया, एक इधर और एक इधर। अब क्या होगा, इसकी जो शाफ्ट की एक्सियल शिफ्टिंग थी यानी कि ऐसे का जो डर था हमारा, इधर उधर जाने का जो डर था, वो खत्म हो गया। अब तो जो तो कॉलर क्या है बच्चों, कॉलर एक रिंग की तरह होता है, एक छल्ले की तरह, जो शाफ्ट को सरकने से रोकता है। किसको रोकता है बच्चों, सरकने से। यानी कि लिखा हुआ मैंने एक कॉलर इट शेप लाइक ए रिंग, रिंग की तरह होता है, विच इज यूज टू स्टॉप द एक्सियल शिफ्टिंग ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट को एक्सियल शिफ्टिंग से रोकता है। यानी कि एक्सियल शिफ्टिंग, ये ब्लॉक के अंदर शाफ्ट ऐसे अंदर बाहर ना निकल सके, बस वो रोटेट करती रहे के अंदर बाहर ऐसे ना सरके वो बिल्कुल भी। तो क्या होगी, जब मैंने इसमें कॉलर डाल दिया तो मेरी शाफ्ट घूमती तो रहेगी, रोटेट तो करती रहेगी, लेकिन उसका कोई भी एक्सियल शिफ्टिंग नहीं होगा बच्चों, एक्सियल वो नहीं खिसक सकेगी। तो इस एक्सियल शिफ्टिंग को रोकने के लिए हम कॉलर का यूज करते हैं, कॉलर एक चलने जैसा होता है। तो यहां तक आज का टॉपिक खत्म, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।